समय सेना से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ज़ेलेंस्की के उन बाहुबलियों से जो यूक्रेन में पैदा भी नहीं हुए हैं, लेकिन यूक्रेन की रक्षा में इन बाहुबलियों ने अपनी जान लड़ा दी है। ज़ेलेंस्की ने कीव से रूस को पीछे धकेल दिया तो दुनिया ने ज़ेलेंस्की की तारीफें कर डाली। जब कीव में रूस के टैंक नेस्त नाबूद होने लगे तो लोग यूक्रेन के लड़ाकों की पीठ थपथपाने लगे। जब पुतिन की आर्मी को कीव की घेराबंदी हटानी पड़ी तो दुनिया भर के अखबारों में ज़ेलेंस्की के जनरलों पर लेख छापे गए। ज़ेलेंस्की ने अपने जनरलों पर मेडल की बारिश कर दी, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो दुनिया को हैरान करने वाले हैं। क्या ज़ेलेंस्की की तरफ से लड़ रही है एक सीक्रेट आर्मी? क्या ज़ेलेंस्की की सेना में शामिल हैं ऐसे योद्धा जो यूक्रेन के नागरिक भी नहीं हैं? यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना में मौजूद हैं कुछ ऐसे विदेशी लड़ाके जिन्होंने बाहुबली की तरह रूस को चौंका दिया है। पहले तो पुतिन की सेना के अधिकारियों की तरफ से सिर्फ दावे किए गए थे कि यूक्रेन की फौज में विदेशी सैनिक भी शामिल हैं, लेकिन अब तो पुतिन के सरकारी मीडिया ने पूरी दुनिया में तस्वीरें रिलीज कर दी हैं। कुछ ऐसे वीडियो रिलीज किए गए हैं जिनमें नजर आ रहा है ब्रिटिश स्पेशल फोर्स का जवान, दुनिया की वो सबसे खतरनाक फौज जो ब्रिटेन की सुरक्षा में अपना सर्वस्व समर्पण करके लड़ती है। क्या वही ब्रिटिश स्पेशल फोर्स यानी कि ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस जिसे SAS के नाम से जाना जाता है, ज़ेलेंस्की की आर्मी की तरफ से लड़ रही है? रूस के इन दावों पर पहले तो यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जब पुतिन ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है और रूस के स्टेट टीवी पर ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के मरीन कमांडरों की तस्वीरें जारी कर दी गई है, यानी पुतिन ने अपने सरकारी टीवी पर पूरी दुनिया के सामने ब्रिटेन और यूक्रेन को एक्सपोज करने की कोशिश की है। यूक्रेन के इस भीषण युद्ध के बीच इस मामले में सच और झूठ की लकीर इतनी पतली है कि पूरी दुनिया में ये एक रहस्य बन गया है कि रूस ने अपने स्टेट टीवी पर जिस ब्रिटिश मरीन कमांडो को दिखाया है उसे आखिर किसने प्लान किया है। लगातार भयंकर जंग के बीच क्या इसके पीछे ब्रिटेन की कोई खुफिया योजना है, या फिर ये स्पेशल फोर्स का कमांडो ज़ेलेंस्की का एजेंट है? आखिर सच क्या है? जिस शख्स को रूस ने कैद किया है उसका नाम है एडन एसलिन, और जैसे ही यूट्यूब पर उसका इंटरव्यू अपलोड किया गया पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन के बड़े बड़े अखबार ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के कमांडो एडन एसलिन की हेडलाइन से भर गए। खासकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भी चिंता बढ़ गई। यूट्यूब से एडन का इंटरव्यू तक हटा दिया गया। सांसदों ने इस शख्स को आजाद करवाने के लिए पूरी दुनिया में अपील की, और खुद इस कमांडो के परिवार के लोग अखबारों में इंटरव्यू देकर पुतिन से ये अपील कर रहे हैं कि स्पेशल एयर सर्विस के इस मरीन कमांडो के साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो कौन है ये ज़ेलेंस्की के ब्रिटेन वाले बाहुबली, और क्या है यूक्रेन में, और क्या है यूक्रेन में लड़ने के पीछे इनका रहस्य? आपको हम सब कुछ समझाने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया था कि यूक्रेन की सरकार ने 63 देशों से विदेशी लड़ाके बुलाए हैं। 63 देशों के कुल 6,824 विदेशी सैनिकों ने यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाला है। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे विदेशी सैनिकों में से अधिकांश पोलैंड से हैं।
का दावा है कि पोलैंड के 1,717 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका के भी लगभग 1,500 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस ने भी कहा था कि उसने अब तक 1,035 विदेशी सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन अब भी यूक्रेन की तरफ से 4,877 विदेशी सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस की सेनाओं ने एडेन एसलिन को मारियोपुल से पकड़ा है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब मारियोपुल में यूक्रेन की सेना की तरफ से सरेंडर किया गया था। कई अखबारों का दावा है कि ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो ने भी इसी तरह रूस के सामने हथियार डाले हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह से रूस की तरफ से तोड़ दी गई है। जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से विदेशी सैनिकों को लड़ने के लिए यूक्रेन बुलाया था। यूक्रेन के भीषण युद्ध के बीच जेलेंस्की ने खुद को अच्छाई की तरफ दिखाते हुए दुनिया से अच्छाई का साथ देने की अपील की थी, जिसके बाद जेलेंस्की ने यह दावा किया था कि यूक्रेन के युद्ध में 16,000 विदेशी सैनिक यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ सकते हैं। लेकिन ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो सीधे रूस से मोर्चा लेंगे। ये वीडियो देखिए जो ब्रिटेन के एक अखबार द सन के यूट्यूब चैनल से लिया गया है। इस यूट्यूब चैनल पर ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के एक कमांडो का चेहरा छुपाया गया है ताकि दुनिया में कोई भी उसे पहचान न सके। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की इस सीक्रेट फोर्स को कितनी अहमियत दी जाती है। स्पेशल फोर्स ने दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। साल 1980 में जब लंदन के अंदर आतंकियों ने ईरान के दूतावास पर कब्जा करने के लिए कई लोगों को बंधक बना लिया था, उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स की मदद ली थी। ये साल 1980 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कैसे इन फुर्तीले लड़ाकों ने दूतावास की इमारत को अपने कब्जे में ले लिया था। आसमान से लेकर जमीन तक SAS ने इमारत की घेराबंदी कर ली थी। सिर्फ 17 मिनट के अंदर दुनिया की इस बेहतरीन फोर्स ने ईरान के दूतावास को आजाद करवा लिया था। सवाल ये है कि ब्रिटेन की इतनी उम्दा फोर्स क्या यूक्रेन के अंदर सीधे रूस को टक्कर दे रही है? अब तक तो ये दावे किए जा रहे थे कि यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम नेटो के सैनिक कर रहे हैं, लेकिन पहली बार सबूतों के साथ रूस ने बेहद सनसनीखेज आरोप ब्रिटेन पर लगाए हैं। इस वीडियो में रूस के द्वारा कैद किए गए SAS के स्पेशल कमांडो एडेन एसलिन हैं। एडेन के साथ एक शख्स और नजर आ रहा है। इस शख्स का नाम है ग्रैहम फिलिप्स। ग्रैहम फिलिप्स एक पत्रकार हैं, जो वैसे ब्रिटेन के नागरिक हैं, लेकिन काम करते हैं रूस के सरकारी टीवी के लिए। रूस के सरकारी टीवी पर ग्रैहम ने 44 मिनट का एडेन का पूरा इंटरव्यू चलाया था, जिसके बाद ब्रिटेन के अंदर हंगामा मच गया। ब्रिटेन के सांसदों की तरफ से बोरिस जॉनसन को कहा गया कि ये जिनेवा संधि का उल्लंघन है, युद्धबंदी का इस तरह इंटरव्यू रिलीज नहीं किया जा सकता। आखिरकार यूट्यूब से इस वीडियो को हटा दिया गया। एक तरफ यूक्रेन के अंदर युद्ध की आग भड़की हुई है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर SAS के इस कमांडो एडेन एसलिन के नाम पर मातम मनाया जा रहा है। एसलिन के परिवार का दावा है कि साल 2018 में ही एसलिन यूक्रेन चला गया था, जहां वो अपनी प्रेमिका से मिला, और वहीं पर एसलिन ने यूक्रेन की सेना में शामिल होने का फैसला लिया। 4 सालों से वो यूक्रेन की सेना में ही रहा। वो कोई जासूस नहीं है, जैसा कि रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूक्रेन में जेलेंस्की ने जंग तो खूब जमकर लड़ी, लेकिन एसलिन के मामले में वो झटका खा गए। एसलिन का रूस की कैद में होना जेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यूक्रेन एसलिन को अपने फोर्स के लिए एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा था।
एस्लिन अब दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये 14 फरवरी का वीडियो है जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अब पुतिन का ये दुश्मन रूस की कैद में है और हाथों में हथकड़ियां हैं। जंग में कौन कब किस पर भारी पड़ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। एस्लिन की कैद ने अचानक पासा पलट दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की यूक्रेन के बहुत सारे कैदियों को पुतिन की कैद से रिहा करवाना चाहते थे। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने एक दांव चला और यूक्रेन के अंदर ही मौजूद पुतिन के समर्थक उद्योगपति विक्टर मेदवेदचुक को गिरफ्तार करवा लिया गया था और पुतिन पर दबाव डालने के लिए उनकी फोटो रिलीज करवा दी थी। можу навести сьогоднішній результат служби безпеки України. Дуже символічно, що саме у день космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. विक्टर मेदवेदचुक कई बार पुतिन के साथ नजर भी आए थे। तब विक्टर मेदवेदचुक की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़ेलेंस्की से ये अपील भी की थी कि उनके पति निर्दोष हैं और उनको रिहा कर दिया जाए। इस कैद के बाद रूसी अधिकारी भी काफी परेशान नजर आए थे और पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेशकेव की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि पुतिन से विक्टर मेदवेदचुक का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल अब दुनिया में ये खबरें छप रही है कि रूस चाहता है कि ज़ेलेंस्की विक्टर मेदवेदचुक को रिहा करेंगे, वो ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स के कमांडो एस्लिन को रिहा कर देंगे। यानी पुतिन ने अपनी कूटनीति से एक बार फिर ज़ेलेंस्की को फंसा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्यू का दौरा किया था और अब बोरिस जॉनसन पर ब्रिटेन में ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह ब्रिटेन के कमांडो एस्लिन को रिहा करवाएं। ऐसे में अगर ब्रिटेन की तरफ से ये मांग ज़ेलेंस्की के सामने रखी जाती है तो ज़ेलेंस्की के लिए इस मांग को मानने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं रहेगा, क्योंकि रूस के खिलाफ इस जंग में बोरिस जॉनसन ज़ेलेंस्की के एक बड़े सहयोगी की तरह सामने आए हैं।